बहुत बुरा हुआ भाई। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। भाई हम भी तुम्हारे भाई हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताओ। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मगर कैसे मर सकता है वो? हाँ, मैंने भी कुछ दिनों से उसे अजीब बर्ताव करते हुए देखा। बता आरिफ उनको। ये सच बोल रहा है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इधर एक दोस्त मर चुका है और तुम लोग कुछ भी बोलते जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक, मैं भी आ रहा हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। नहीं नहीं मैं सुनो। लगता है मेरा वहम था। वो मुझे मार डालेगी भाई। कौन? अरे वही जिसने श्रवण को मारा। मतलब तुझे भी वो दिखा क्या? सचिन, सचिन, सचिन कहाँ है? तेरे साथ था ना? सचिन तेरे? सचिन मेरे साथ नहीं, मैं अपने घर चला गया था। कुछ तो बुरा होने वाला यार। फोन लगा उसको, जल्दी फोन लगा। हाँ अभी करता हूँ। शिट, वो फोन नहीं उठा रहा है। चलो उसके घर चलते हैं। हाँ चलते। साथ खेलो ना। रुको।
पहले श्रवण, फिर सत्या, ये अपने साथ ही क्यों? तुम लोगों ने कुछ गौर किया? जब से हम जंगल गए ये सब वहीं से स्टार्ट हुआ है। मैंने तुम लोगों को बोला भी था, मैंने वहाँ कुछ देखा, पर तुम लोगों ने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ना जंगली जाके पता लगा दे कि क्या प्रॉब्लम वहाँ पे। जंगल? नहीं, मैं नहीं जा रहा उधर। क्या बोला? हमने यहाँ पे अपने दो दोस्तों को खो दिया, कम से कम पता तो लगाए कि वहाँ पे हुआ क्या है। चल तू चल। साबिर, साबिर कहाँ गया? समो, कुछ बोल रहा हूँ सुन नहीं रहा तू। समो, मेरी बात सुन। आरिफ उठ, क्या हुआ, क्या हुआ यार? समो, वहां से निकाल। समो, साबिर, हमें यहाँ से निकलना मुझे चाहिए। मुझे सम्मो को ढूंढना है आरिफ। अरे हम लोग भी मारे जाएंगे। चल, मैं बोल रहा हूँ चल। तड़प और तड़प।
बर्बाद कर इस जगह को। नहीं नहीं नहीं, का दर्द दिखता है पर किसी गरीब का नहीं। हर मांगने वाला भिखारी नहीं होता। भाई मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ रुक, मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। अरे तुझे तो बुखार है, तू फिकर मत कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। हाँ भाई, मैं मर तो नहीं जाऊँगा ना भाई। भरोसा रख, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अरे तुम लोग भी लो बे, बहुत अच्छा होता है। नहीं भाई, तुम लोग भी हो उसके पास उसका भाई भूखा यार। कुछ तो करना ही होगा। एक एक करके मैंने उन तीनों को तड़पा तड़पा के मार दिया। अब तुम्हारी बारी। जो भाई, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। भाई हमें अभी मुक्ति मिल चुकी है, अब यहाँ से चलो। आखिर क्या कसूर था इस गरीब लड़के का? यही ना कि नशे में धुत उन लड़कों से अपने मरते हुए भाई के लिए खाना मांगने गया और उन लड़कों ने उसे क्या दिया? मौत। नशे में धुत इंसान को किसी की गरीबी और लाचारी नहीं दिखती। तो प्लीज आप भी नशे से दूर रहें।